Dear students, I am R S Pandey for English. Today I will tell you about the course of English and the parts of English. English has two parts. Section A, जैसा कि आप देख रहे हैं, section A और section B, दो parts हैं. Section A में prose, poetry और supplementary है. प्रोज में आप देख रहे हैं 6 लेसन, पोएट्री में 5 लेसन और सप्लीमेंट्री में 4 लेसन. इसके बाद सेक्शन बी जिसमें कि ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन मींस पूरा ग्रामर होगा. तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों सेक्शन ए प्रोज का फर्स्ट चैप्टर टॉम सॉयर पढ़ाऊंगा. पहले आप टॉम सॉयर को पढ़ें, इसको पूरा एक एक शब्द में आपको पढ़ाऊंगा, पूरी वर्ड मीनिंग्स बताऊंगा, पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा. ध्यान से आप पढ़ें और समझें कि ये टॉम सॉयर चैप्टर कैसा है. टॉम सॉयर को मार्क ट्वाइन ने अडॉप्ट किया. आइए सबसे पहले इस पाठ के बारे में आपको बताते हैं. अबाउट द लेसन, टॉम सॉयर वाज वेरी नॉटी. टॉम नाम का एक लड़का है और आंट पॉली जो है, पॉली नाम की एक महिला जो कि टॉम की मौसी है. टॉम सॉयर वाज वेरी नॉटी, बहुत शरारती बालक. ही कुड नॉट रिमेन विदाउट मिसचीफ फॉर लॉन्ग. गलतियां करने से वो बाज नहीं आ सकता, कुछ न कुछ गलतियां वो करता ही रहता है. हिज आंट लव्ड हिम वेरी मच, उसकी मौसी उसे बहुत प्रेम करती है. बट सी ऑलवेज वांटेड टू पनिश हिम फॉर हिज मिसचीफ. लेकिन वो हमेशा उसको सजा देना चाहती है, दंडित करना चाहती है. So that ताकि he may not be spoiled, जिसमें कि वो सुधर सके, उसके अंदर ऐसी बातें न आए कि वो बुराइयाँ अपने अंदर उत्पन्न करे, इसलिए मौसी उसे सजा भी देना चाहती है. But Tom was very clever, लेकिन Tom बड़ा चालाक लड़का है, आप लोगों की तरह जैसे आप लोग हैं. इस उम्र का बालक वास्तव में बहुत चालाक होता है. Some way किसी तरह से और द अदर ही स्कैप्ड द पनिशमेंट, अपनी मौसी से वो सजा पाने से बच जाता है, हमेशा ही प्रयास करता है, बचता है. द स्टोरी रिलेट्स सम ऑफ द इनोसेंट मिसचीफ ऑफ टॉम सॉयर. ये कहानी जो है वो उसके बचपन की गलतियों से जुड़ी हुई है. एंड द करेक्टिव मेथड अडॉप्टेड बाय हिज आंट, और उसकी मौसी के द्वारा अच्छे अच्छे नुस्खे अपनाए जाते हैं उसकी गलतियों को दूर करने के लिए. द स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, ये कहानी बिल्कुल बुद्धि और हास्य, विट एंड ह्यूमर का अर्थ होता है बुद्धि और हास्य पर निर्भर है. तो ये कहानी एक छोटे से बालक की है. अब कहानी की शुरुआत होती है. देखें, टॉम्स पेरेंट्स आर डेड, टॉम के माता पिता नहीं रहे, दुर्भाग्यवश वो मर गए हैं. हिज आंट ब्रिंग्स हिम अप, उसकी मौसी उसे अपने घर लाती है. सी इज फॉन्ड ऑफ हिम बट सी इज स्ट्रिक्ट एज टॉम इज नॉटी, वो उसे पसंद तो बहुत करती है लेकिन टॉम के शरारत पर वो थोड़ा सा सख्त रहती है. ही इज ऑलवेज अप टू सम मिसचीफ, प्रायः टॉम कुछ न कुछ गलतियां करता है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ मिसचीफ ही गेट्स इनटू, आइए जानते हैं कि किस तरह की गलतियां वो प्रायः किया करता है. अब आपके सामने आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया. कहानी के साथ साथ यह भी बात सामने आ गई कि क्या हो रहा है टॉम के साथ, टॉम कैसी शरारत कर रहा है. तो आइए आपके शरारती जीवन में शरारत की बातें टॉम की रखते हैं. दिस इज टॉम सॉयर, ये टॉम सॉयर है. टॉम, किसी ने आवाज़ दी है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है एक शब्द टॉम, यानी किसी ने बुलाया, नो आंसर, कोई जवाब नहीं. फिर किसी ने बुलाया टॉम, नो आंसर. हेयर कैन बी ही, कहाँ हो सकता है आखिर वो,
आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पोली ने, उसकी मौसी ने अपने आप से सोचा कि आखिर हो कहाँ सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, वो यहीं कहीं हो सकता है, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वो दरवाजे के पास गई, लुकड आउट इन टू द गार्डन, बगीचे की तरफ उन्होंने देखा, एंड देन शाउटेड अगेन, और फिर एक बार से जोर से चिल्लाई, टॉम टॉम, नो आंसर। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वो महिला वहाँ खड़ी हो गई, स्टूड देयर, वहीं स्थिर हो गई, खड़ी हो गई, थॉटफुली, सोचते हुए, विचार करते हुए। सडनली सी हर्ड, अचानक उसने सुना अ साउंड, एक आवाज़ बिहाइंड हर, अपने पीछे, मौसी के पीछे से ही एक आवाज़ आई। सी टर्न राउंड क्विकली, वे तुरंत पीछे की ओर मुड़ी, देयर वॉज टॉम, वहाँ पर टॉम मौजूद था, नियर द कपबोर्ड डोर, एक कपबोर्ड आलमीरा थी, उसी के दरवाजे के बगल में वो छिपा हुआ था। देयर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, और उसने पूरे अपने मुंह में जैम लगाया हुआ था। जैम आप समझते हैं खाने वाली चीज़ें, जो कि मुरब्बे आदि से, मुरब्बा का रस आदि होता है, तो जैम लगाया हुआ था वो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, मौसी ने गुस्से के साथ पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया, सी वेंट ऑन, तो मौसी फिर बोलने लगी, यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, फिर से तुमने जैम को चुराया, डोंट टेल मी व्हाट यू हैवेंट, जो कुछ भी तुमने किया है, डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, हैवेंट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है इस कपबोर्ड से दूर रहा करो, बताओ मुझे, वेर इज माई स्टिक, कहाँ है मेरी छड़ी। आंट पोली टुक हर स्टिक, आंट पोली ने छड़ी उठाया, एंड रेज्ड इट हाई, और जोर से उसको ऊपर उठाई पीटने के लिए। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वो बिल्कुल टॉम के प्रति सख्त थी उस समय, गुस्से में थी, उसने छड़ी को उठाया, सोचा कि अभी हम इसको पीटते हैं। लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम, तभी टॉम ने चिल्लाया, मौसी मौसी पीछे देखो। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पोली ने पीछे देखा, दिस वॉज टॉम्स चांस, यही तो टॉम के लिए अवसर था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वो तेजी के साथ, रश्ड आउट मीन्स भाग गया घर से बाहर। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, सून ही वॉज फार अवे, वो अपने चार दीवारी के ऊपर, फेंस यानी चार दीवारी जो बाउंड्री होती है उसको फेंस कहते हैं, क्लाइम्ड ओवर, उसी के ऊपर चढ़ गया, सून ही वॉज फार अवे, और शीघ्र ही वो घर से बाहर भाग गया। आंट पोली वॉज एंग्री बट सी हैड टू लाफ, आंट पोली गुस्से में थी बट सी हैड टू लाफ, लेकिन वो हंस रही थी, वो हंसी भी। हीज अ बैड बॉय, उसने कहा बहुत शरारती लड़का है, बहुत नालायक लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ, उसने ऐसा अपने आप से कहा, बट आई लव हिम, मौसी ने कहा, लेकिन मैं इसे कितना प्रेम करती हूँ। सी इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय एंड आई मस्ट टुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर हिम, बट आई लव हिम, मैं इसे कितना प्रेम करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, ये मेरी बहन का बेटा है जो कि मर चुकी है, एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे इसकी देखभाल, लुक आफ्टर यानी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम बट आई हैव टू, मैं इसे पीटना तो नहीं चाहती, आई डोंट लाइक टू हिट हिम, पसंद नहीं है मुझे इसको पीटना, बट आई हैव टू, लेकिन क्या करूँ, मुझे करना पड़ता है। इफ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंडित नहीं करती हूँ, सजा नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विग्ड, तो दुष्ट निकल जाएगा, नालायक निकल जाएगा, गलतियाँ करेगा, सुस्त हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे इसके प्रति सख्त रहना चाहिए। आंट पोली साइड, ऐसा आंट पोली ने सोचा, ऐसा
महसूस किया. आई हैव टू पनिश हिम. विचार बनाया उन्होंने कि मुझे इसे दंडित करना है फॉर स्टीलिंग द जैम, जैम को चुराने के लिए. बट हाउ, लेकिन करे कैसे. आई नो, मुझे पता है. टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार होगा. एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, और सैटरडे को स्कूल नहीं रहता है. द बॉयज हैव अ हॉलीडे, लड़कों की छुट्टी रहती है. बट आई'ल मेक टॉम वर्क, लेकिन अब मैं टॉम से काम करवाऊंगी. आई'ल मीन्स आई सेल मेक टॉम वर्क, टॉम से काम करवाऊंगी. दैट विल पनिश हिम, यही उसकी सजा होगी. ऐसा किसने सोचा? ऐसा मौसी ने सोचा. द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन शनिवार का था. द स्कूल वाज शट, वहाँ शनिवार को स्कूल बंद रहता था. ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, गांव के सारे बच्चे फ्री थे. आप लोगों की तरह छुट्टियों में जैसे आप फ्री रहते हैं. इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, बड़ा ही सुहावना दिन था उनके लिए, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए छुट्टी का दिन सबसे सुहावना माना जाता है, ऐसा है ना. द सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, सूर्य चमक रहा था और चिड़िया लोग गीत गा रहे थे. द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के पुष्प बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे थे, बड़े तरोताज़ा दिखाई पड़ रहे थे. सुबह का समय था. टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग. ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, गाँव के तमाम और बच्चे जा रहे थे तैरने के लिए. तो टॉम ऑफ कोर्स मीन्स निसंदेह, टॉम वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम भी तैरने के लिए जाना चाहता था. बेटा ये पार्ट फर्स्ट है इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाने से भेजने में और डाउनलोड करने में दिक्कत होती है. इसका सेकेंड पार्ट मैं तुरंत आपको दे रहा हूँ. थैंक यू.